हाँ तो भाई लोग कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे। आपकी लाइफ यार नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो आज की वीडियो होने वाली है एक नई हिंदी डब मूवी के बारे में। वैसे तो इसका हिंदी डब जो रिलीज हुआ था वो काफ़ी टाइम पहले ही अमेजोन प्राइम पर रिलीज हो गया है, पर इसका प्रीमियर जो होने वाला है वो आज है हिंदी डब में टीवी पर। तो अगर आप इसका टीवी पर आने का वेट कर रहे थे तो ये रिव्यू उसी के ऊपर होने वाला है, उसी मूवी के ऊपर होने वाला है मतलब। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर उससे पहले उस मूवी का नाम बता दें तो नाम होने वाला है उसका युवरत्ना, जो मूवी थी पुनीत राजकुमार की। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यार पहले बात कर ले इसमें स्टार कास्ट के बारे में, तो उसमें देखने को मिल जाएंगे पुनीत राजकुमार, प्रकाश राज और इनसे अलग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर। बात कर अब इसकी स्टोरी क्या है, क्या कहानी दिखाती है मूवी। तो देखो यार कहानी फोकस करती है एक ऐसे कैरेक्टर पर जिसके बारे में क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यार जब मूवी स्टार्ट होती है तो वो एक स्टूडेंट रहता है, बाकी आगे जब मूवी बढ़ती है तो वो एक टीचर बन जाता है, और उसके बाद स्टूडेंट के जो ड्रग्स वाला मामला है वो यहाँ निकल कर आता है। कई सारे एंगल हैं और एक तरीके से बोलो तो एक स्टूडेंट के सुसाइड पर भी स्टोरी चालू होती है। अब आगे आपको जो समझना है समझ सकते हो, बाकी अगर स्टोरी को डिटेल में जानना है तब तो आपको मूवी को देखना पड़ेगा। इससे ज्यादा जानोगे तो स्पॉइलर भी है और आपका मजा भी खराब हो सकता है, तो इसको भूल जाओ। हम बात कर लेते हैं क्या स्टोरी अच्छी लगी मुझे, क्या पसंद आई, कितना मजा आया देख के। तो पहली बात इसके प्रेजेंटिंग के तरीके के बारे में, तो देखो यार स्टोरी का प्रेजेंटिंग का तरीका अच्छा था। स्टोरी में जो प्लस पॉइंट है वो इसके एक्शन फाइट सीन है, काफी कूल रखा गया है और काफी अच्छे तरीके से उसे दिखाया गया है, जो आपको पसंद आएंगे और इम्प्रेस होंगे। पुनीत राजकुमार के कैरेक्टर को जिस तरीके से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लिखा गया है, चाहे वो एक स्टूडेंट का कैरेक्टर हो या फिर टीचर का कैरेक्टर हो, एक गेमर का कैरेक्टर हो, तीनों कैरेक्टर में उनकी राइटिंग यार काफी अच्छी की गई है, जो आपसे कनेक्ट करेगी, मतलब ऑडियंस उससे आराम से कनेक्ट कर लेती है और लास्ट तक जुड़े रहेंगे आप उस कैरेक्टर से। बाकी देखो यार विलेंस की एंट्री होती रहती है, पिटते रहते हैं, जाते रहते हैं। स्टोरी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस तरीके से यार स्टूडेंट को लेकर जो मुद्दा उठाया गया है पूरे मूवी में वो काफी ज्यादा अच्छा था और आप उससे इम्प्रेस होते हो। स्टोरी के बारे में अगर पूरा ओवरऑल अगर एक शब्द में बोलना हो ना तो वो मीडियम है, जो आपको एक सोशल मैसेज दिखाती है लास्ट तक जाते जाते। बाकी अगर बात कर लें इसके स्क्रीन प्ले के बारे में, तो देखो चाहे फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, पूरे स्क्रीन प्ले में यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में सुसाइड हो जाना, उसके बाद यार पुनीत राजकुमार के कैरेक्टर की एंट्री होना, प्रकाश राज का एक आंदोलन पर जाना एक तरीके से बोल सकते हो, हर कॉलेज से साइन लेने, उसके बाद यार पुनीत राजकुमार को एक लड़की से प्यार करना, बाकी उसके बाद उनका टीचर बनना और बाकी बहुत सारी चीज़ें। मतलब यार फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा तेजी से निकलता है और मतलब आपको मतलब बोर होने का टाइम नहीं देता है। हर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ अपनी स्टोरी में चेंज करता रहता है, जिससे आपका इंटरेस्ट यार मूवी में बना रहे, जो मूवी के लिए एक प्लस पॉइंट भी साबित हुआ है, जिसके वजह से मैं बोर नहीं हुआ था मूवी को देखते टाइम। मूवी के स्क्रीन प्ले में जो प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी पूरे मूवी की, और कैमरा वर्क भी यार काफी ज्यादा अच्छा है एक्शन फाइट सीन में भी, बाकी और सब जगहों पर भी। इस फिल्म का एक और प्लस पॉइंट है वो इसका बैकग्राउंड स्कोर, वो आपके कानों में बजने वाला है काफी दिनों तक। अगर आपने अभी मूवी को नहीं देखा है तो जब देखोगे ना उसके बाद आपके कानों में काफी दिन तक वो सुनाई देगा। वहीं अगर एक्टिंग के बारे में बात कर लें तो पुनीत राजकुमार का काम बहुत ज्यादा अच्छा था, प्रकाश राज के पास भी जितना स्क्रीन प्ले उस हिसाब से उनका काम अच्छा है, बाकी इनसे अलग भी जो भी साइड एक्टर थे सबका काम ठीक ठाक है। बाकी अगर हिंदी डब के बारे में बताएं तो हिंदी डब यार अच्छा कराया गया था, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको मिस किया था तो फिर जाओ देखो, एंजॉय करो, मजा आएगा देख के और आप एंजॉय करोगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ बोलना हो तो कमेंट बता सकते हो।